Right. So today's, before starting the webinar, a very quick brief about the academy and the academy's ongoing processes, offers, and the faculty. A very quick brief will take only 5 minutes of yours, and then we proceed to the today's session. Academy is sansta ek saal pare ya ek saal plus time pe kiya gaya, and the very basic mission and vision to grow the culture of the Vedic sciences everywhere. और घर घर तक पहुंचे वैदिक साइंस से हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाद भी बाहर भी, और भारत एक बार फिर से एक जगत गुरु की एक उच्च पद्धति प्राप्त करने में हमारा जो योगदान हम कर सकते हैं इस कॉस्मिक एनर्जी में और इस भारतवर्ष में और भारतवर्ष के लोगों के लिए, दैट्स बीन ट्राइंग एंड डूइंग द बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स बाई द अकेडमी एंड ऑल द फैकल्टीज ऑफ द अकेडमी. इसके साथ ही एक कुछ वैल्यू एडिशंस के लिए हमेशा ध्यान रखते हैं, क्योंकि अकेडमी इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इसका हमें हमेशा ध्यान रखते हैं, और हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वी कीप ट्राइंग टू कीप द कॉस्ट ऑफ द कोर्सेज एट द वेरी लो एडमिनिस्ट्रेटिव फीस. ऑलवेज हमारा एक मोटिव रहता है, एंड दैट वी कंटिन्यू टू फॉलो इट. सेइंग दैट एकेडमी गिव ऑफर्स टाइम टू टाइम, जो ऑन गोइंग ऑफर्स है, दोज हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद एकेडमी दे नोज दैट देयर आर ऑफर्स ऑफ 15% ऑन द सबमिशन ऑफ द कोर्स फीस. 2 महीने की अगर हम कोर्स फीस सबमिशन करते तो 15% ऑफ and referral discount of 15% and a 7000 plus course fees enrollment pe bhi 15%. Iski detailing ka detail aapko aapke group se mil jayega, aur jinko pata hai they can make use of it. Referral discount is a very good discount. Put together 45% discount banta hai. Those who like to avail can avail it. 45% ke pe discount ye banta hai. And that's a very brief short, and as I always said, एक कोर्स कभी भी एक बारी में समझ में नहीं आता तो उसकी रिपीटेशन हमें चाहिए होती है, तो रिपीट के लिए आप लोग वेलकम है. आप लोग रिपीट कर सकते हैं समय समय पे. जब भी नया कोर्स लॉन्च होता है तो नेक्स्ट कोर्स के अंदर आपकी रिपीटेशन फ्री होती है. एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज विद यू. जो अकेडमी का अपना एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग विल रिमेन्स विद यू, एंड यू कैन मेक यूज ऑफ इट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर. दीज आर द वेरी क्रिस्प इंफॉर्मेशन अबाउट द अकेडमी. Now let's move to the subject, and I request before that please keep your videos on, because agar videos on hote to this is itself your attitude towards the faculty, and the jo vyakti aaj session le rahe hain wo apne aap mein ek padhiti pe baithe hain, to unko hum ek attitude apne videos ke madhyam se, apne interaction ke madhyam se pay kar sakte hain. So I request you to please keep your videos on. I see a lot of participants videos are still off. I can understand some of them are having the dinner, but jo log dinner nahi kar rahe wo log apna videos on kare please. Ya jo hamare participants kitchen ka kaam nahi kar rahe wo log apna videos on kare. Thank you. Aaj ka session tribhagi dasha. Tribhagi dasha is a very new topic and a very unique topic also. जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी की तरफ बड़ा ही रुझान रहता है और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एंड त्रिभागी दशा उनके एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान में, उनके सफर में एक नया चैप्टर, नई एडिशंस करने जा रही है. साथ में ऐसा ज्ञान शेयर हो जाएगा आपके साथ जो एक दुर्लभ ज्ञान है, इन द सेंस की दिस इज नॉट की नॉट अवेलेबल बट दुर्लभ है, क्योंकि त्रिभागी दशा के ऊपर बहुत कम लोग काम करते हैं या बहुत कम लोगों को ज्ञान है अभी, और लोग जल्दी से शेयरिंग नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को काफी अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन शेयरिंग के मामले में हम शायद थोड़ा पीछे हैं. और एक भारतवर्ष का अपना कल्चर है कि हम शेयरिंग जनरली नहीं करते, और शायद ये रीजन है कि हमारी जो संस्कृति और जो विद्याएं हैं वो समय के साथ लुप्त हो गई और शेयर नहीं होता. ये हमारा अपना डिजाइन भी है, कल्चर है, इट्स ओके. बट अकेडमी ने एक डिजाइन किया है अपना कि वॉट एवर वी गेट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम अवर ग्रूस we will deliver to you, because we believe कि हम जितना आपको deliver करेंगे, जितना आपको हम वापस दे देंगे हम cosmic energies को, ब्रह्मांड को, उतना ही हमारे को वापस और भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम दोबारा से empty cup हो जाएंगे. इट्स empty cup theory. तो empty cup होने से जगह बनेगी, जगह बनेगी तो हमें दोबारा यूनिवर्स कुछ देगा, और जो हमें देगा फिर हम आपको दे देंगे. इट्स चैनल प्रोसेस. सो वी बिलीव इन टू दैट सिंपल फिलोसफी. उसी के माध्यम से त्रिभागी दशा का सब चैप्टर शुरू हो रहा है, and it's going to be very fantastic journey for you all. त्रिभागी दशा जो करने जा रहे हैं, जो लेने जा रहे हैं, is a master of लाल किताब, super master of कस्पर इंटरलिंकिंग,
जैसे केपी बेसिकली जो अभी ऑलरेडी चल भी रहा है, इट्स ऑनगोइंग। एंड ये दो विद्याएं अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग विद्याएं हैं एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में कि इन दो विद्याओं पर इंसान एक मास्टरी कर लेता है तो अपने आप में एक जगह एक हासिल प्राप्त कर लेता है और डॉक्टरेट हो जाता है। एंड शी इज अ डॉक्टरेट आल्सो। शी डिड मेनी रिसर्च इवन ऑन द नक्षत्रास। शी डिड नक्षत्रा सोप का जो कोर्स आप लोगों ने पहले देखा किसी ने किया होगा। एंड इतना बड़ा ज्ञान इतना सारा नॉलेज रखते हुए भी सच ए ग्राउंडेड पर्सन। धरती से अपनी भूमि से जुड़ के चले और हमेशा जमीन पर रहते, कुछ भी पूछ लो कभी भी बात कर लो ऑलवेज अवेलेबल। स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट शी इज एनआरआई रादर और मे बी दुबई नेशन नॉट श्योर, ऑलवेज हैव अ इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स इंडिया एंड द पीपल ऑफ द इंडिया बिकॉज जन्म तो हिंदुस्तान का ही है ना, तो जन्म हिंदुस्तान का है तो हिंदुस्तान की भूमि तो रहेगी ना जैन में। भले ही इनका इनका शरीर के परस्पेक्टिव से शी इज आउट ऑफ इंडिया बट दिल दिमाग इच्छाएं हर चीज लोगों से कनेक्ट हर समय इंडिया इंडिया भारत भारत और सिर्फ भारत। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ हर। और जो कुछ इनके पास इन्होंने इतने लंबे समय में अपनी क्योंकि इनके यहाँ पे पुश्तैनी एस्ट्रोलॉजी चलती है बिकॉज परिवार पंडित रूपचंद जोशी जी से कनेक्टेड था तो पिछले 50-60 सालों से 70 सालों से ज्योतिष का घर में ही प्रवेश और घर में ही ज्योतिष चलती है तो पूर्वजों से तो जो धुर मिली वो मिले ही। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मेहनती बहुत ही ज़्यादा नॉलेज की अग्रेसिव नॉलेज की चाहत रखने वाली एक फायरी एलिमेंट डेट वे कि हमेशा कुछ नई चीज नई ईजाद करते रहना लगातार करते रहना। उसी के माध्यम से इन्होंने त्रिभागी दशा पे काफ़ी काम किया अच्छा काम किया और जब काम करके प्रैक्टिस करके तो खुद को रिजल्ट मिले देन शी थॉट ऑफ शेयरिंग द त्रिभागी दशा इंफॉर्मेशन विद ऑल अवर ग्रेट पर्सनस एंड दैट इज अ ग्रेट सूट। नहीं तो जनरली अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स होते हैं ना वो कोई देखता नहीं है, जनरल चीज़ें सब दे देते हैं क्योंकि बाजार में प्रचलन है उसका। और जो थोड़े से यूनिक होते हैं ना कोई शेयर नहीं करता और जो करते हैं दे डू इट एट ए वेरी हैवी फैंसी फीस एंड शी एक्सेप्टेड टू कंटिन्यू विद द एकेडमी फीस जो आप लोग। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम फर्दर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कीप योर ऑडियोज ऑन एंड गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू नीति विवेक कुमार जी। नीति विवेक कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला कि मुझे सुनने के लिए कि त्रिभागी दशा है क्या। आप लोग विमशोत्री जानते हो, हम ज्यादा करके विमशोत्री पे काम करते हैं लेकिन विमशोत्री से भी त्रिभागी आपकी जो विमशोत्री दशा चल रही है उसका तीसरा भाग, क्योंकि विमशोत्री दशा कई बार आपने देखा होगा कि शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा जो महादशा चली भुक्ति चली उसमें हमें इतना असर नहीं मिला जो हम सामने वाले की कुंडली से देख के उसको बता रहे हैं, लेकिन अंदर उसका जो तीसरा पार्ट है जो त्रिभागी जो चल रहा है उससे आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे मिले हैं। यानी त्रिभागी दशा के ऊपर जब हमने काम किया तो हमें ये लगा कि ये तो बड़ा आसान है क्योंकि हमें इसमें योग नहीं पढ़ने, इसमें हमें कोई 60D 60 तक चार्ट्स नहीं पढ़ने, हमने सिर्फ आपका चंद्रमा का चार्ट और आपका लगन चार्ट देखना है। उसी से आप इंसान की पूरी जिंदगी को सामने उसके बयां कर दोगे। इसमें हमें ये भी नहीं देखना कि भाई आपके पास क्या योग लगा है क्या है। अब आप ये देखें कि भाई एक त्रिभागी दशा जो है वो आपको ये बता जाएगी कि किस दिन किस समय आप बीमार पड़ोगे, क्या घंटा होगा वो, कैसी तकलीफ आएगी आपको, शादी में क्या तकलीफ आएगी आपको, किस तरह की तकलीफ आएगी, ये सारी चीजें हमें त्रिभागी दशा बता जाती है। तीसरा भाग जो आपका अपना विमशोत्री दशा में जो चल रहा है। अगर आप सबको एक चीज मालूम हो कि हम विमशोत्री दशा के पीछे चलते हैं,
हमारे लूनर कैलेंडर में भी हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष जो है वो हमारा काली रात जिसे कही जाती है, जब चंद्रमा लुप्त होने के उसमें होते हैं। शुक्ल पक्ष जो है जो चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। तो कहावत ये है कि पिछले जब ऋषि पराशर ने जब ये पूरी ग्रंथ लिखे तो साफ कृष्ण भगवान ने कहा है कि पराशर ऋषि की लिखी हुई विद्या आपको त्रेता युग तक ही काम में आएगी। उसके बाद महादेव ने भी कहा कि कलयुग में हमारी विमशोत्री दशा इतनी काम नहीं आएगी, इंसान धोखा खाएगा, अपने कर्मों से धोखा खाएगा। तो हम कितनी बार ये देखते हैं कुंडली में, अरे इसका तो राज योग है, इसका तो ये योग है, इसका तो ये योग है, पर होता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि नॉन मंगलिक आदमी औरत से शादी करता है, लंबी जिंदगी कटती है दोनों की, कुछ नहीं होता, सिल्वर जुबली भी होती है, गोल्डन जुबली भी मना लेते हैं। फिर सामने वाला बैठ के अगर आप उनकी कुंडली लो तो सर खुजाओगे, अरे इसमें एक मंगलिक था, एक मंगलिक नहीं था, तो कहाँ गया वो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई रहस्य है, जो रहस्य हमें समझ लेना चाहिए कि हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग में हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। अब कर्मों के भुगतान के लिए जो दशाएं हमें लगेंगी, वो दशाएं जो विमशोत्री दशा उसका तीसरा भाग जो लगेगा वो लगेगा। तो त्रिभागी जो विद्या है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस पे चलती है, कुछ उसके फंडामेंटल रूल्स हैं, बहुत आसान रूल्स हैं जो कि हमें एस के मेहता जी ने दिए। और जब हमने उन पे काम किया तो हमें एग्जैक्टली सेम चीजें कि भाई आप जो है सामने वाले को प्रेडिक्शन अपनी स्टैंप मार के दे सकोगे कि भाई मैं नाम लिख के देता हूं ये चीज तुम्हारे साथ घटेगी ही घटेगी, ये टाइम पे घटेगी, चाहे तू कितने भी चीजें अपने साथ खड़ा कर ले, तू उसकी सावधानी कर ले, लेकिन फिर भी ये चीज तेरे साथ घटेगी ही घटेगी। तो जब इतनी इसके अंदर फर्मनेस है और आप जब इतनी उसको गारंटी से दे सकते हो सामने वाले को, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि जब इसको हम लाल किताब के साथ भी जोड़ते हैं कि भाई रेमेडीज जब हम करने जाते हैं तो हम सिर्फ उसको लाल किताब से ही देखते हैं, लेकिन त्रिभागी दशा में जब हमें प्लैनेट बता रहा है कि भाई इसका मंगल की दशा आएगी तो ये बीमार पड़ेगा, अब मंगल की दशा आएगी तो किसका इलाज कराएंगे। यहाँ पे बहुत ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लाल किताब कर आए हैं, उनके एकदम उनको समझ में आ गया होगा कि जब मंगल की दशा आएगी त्रिभागी में भी देख लेंगे तो किस तरह का इलाज कराएंगे। तो वो जो इलाज है, जो रिमेडी है, आप अच्छे से कर पाओगे। देखो हम कोई चीज मिटा नहीं सकते, हम ऊपर वाले के आगे हम कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कष्ट को कम कर सकते हैं या हम उसको थोड़े टाइम के लिए एक राहत दे सकते हैं, या हम उसको अगर उसने 4 साल कष्ट भुगतना है तो हो सकता है वो 3.5 साल भुगते और आधा साल वो खुश रहे, या कोई बड़ी चीज आने से हम उसको आगाह कर दें, बाकी उसकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा, लेकिन हम अगर आगाह कर दें तो शायद वो सावधान हो जाए, शायद उसको ये प्रॉब्लम ना आए। तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम देखेंगे त्रिभागी दशा से। आज मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि त्रिभागी दशा में हम कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि किसी का लगन जिनके कर्क लगन है, कैंसर लगन है, स्कॉर्पियो लगन के लोग या पाइसिस लगन के लोग, यानी ये 3 लगन के अगर लोग हैं और उनका गुरु तीसरे खाने में बैठा, यानी थर्ड हाउस में अगर जुपिटर प्लेस्ड है, आप 100% उसको पूछ लेना तेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियन, ये 3 लगन के लोगों का अगर गुरु तीसरे घर में बैठा है, थर्ड हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, आप उसको पूछ लेना आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। वो बोलेगा हां जी, आपको कैसे पता,
ऐसे ही कुछ इसमें इतने सारे छोटे छोटे रूल्स हैं कि जब आपके सामने कुंडली आती है उसके मुंह से बोलने से पहले ही आप उसकी प्रॉब्लम समझ जाते हो, क्योंकि आपने उसकी दशा देख ली है कि भाई दशा अगर ये आई है इसकी तो प्रॉब्लम भी इसको ये आई होगी। मैं आपके साथ एक सॉफ्टवेयर शेयर करती हूँ। जी एक सेकंड, मैं आपके साथ एक सॉफ्टवेयर शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा सर, ये सॉफ्टवेयर अगर आपको विजिबल है तो प्लीज आप मुझे बता देंगे। एक सेकेंड, मैं लॉग इन कर रही हूँ उसमें। पिछली सॉफ्टवेयर दिख नहीं रहा, एक बार आप प्लीज पुट टू योर सॉफ्टवेयर अगेन। जी सर, मैं उसको खोलने की कोशिश कर रही हूँ। चलें कोई बात नहीं, जब तक मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर पे दिखा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। नीति जी का शायद कनेक्शन ब्रेक हो गया। एनीवे शी मे बी ज्वाइनिंग अगेन, सो प्लीज मेंटेन फॉर फ्यू मिनट्स एंड मीनवाइल हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, टप्पे मार सकते हैं। यू आर ऑल अनम्यूटेड, लाइक टू शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। मीनवाइल हम जर्नी को देख लेते हैं, इस जर्नी में हम क्या क्या चीज करेंगे, व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू कवर इनटू द जर्नी, हाउ इज दिस जर्नी, ये बार हम देख लेते हैं तो फिर नतीजे आते हैं। राइट, सो यू आर ऑल अनम्यूटेड, यू कैन शेयर इफ यू वांट टू टॉक एनीथिंग। सर आई हैव रिटन टू दिस स्लाइड देयर, त्रिभागी दशा का कुछ ये होने वाला क्या सेमिनार ये कर रहे हैं आप, कोर्स अरेंज कर रहे हैं? जी जी कोर्स, अच्छा, कोर्स कर रहे हैं। कब से? बस आज वेबिनार हो गया शुरू, कोर्स चालू। अच्छा सर, इसको कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा? मैं वही लगा रहा हूँ स्लाइड्स, एक मिनट दे मुझको। सो इसका बारे में बताइए सर, अभी
मैडम आ रही तब तक. हाँ तब तक वही हम डिस्कस कर लेते हैं त्रिभागी दशा का. सी दीज आर द ब्रॉड टॉपिक्स, क्योंकि अच्छा अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें होती है. जैसे मैरिज में भी बहुत सारी चीजें हैं, मनी. अगर आप ब्रॉड वे में देखोगे तो जिंदगी जीवन में होता यही है. भाई इंसान जो एस्ट्रोलॉजी सीखता है उसके अंदर पॉइंटर्स तो वही सेम ही रहते हैं. इंसान की जिंदगी में शादी कैसी है, हेल्थ कैसी है, पैसा है नहीं है, चाइल्ड बर्थ, जॉब, बिजनेस, मोटे मोटे टॉपिक तो यही रहते हैं. टॉपिक्स आर रिमेन सेम, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है इसमें कि इसकी डेप्थ के अंदर जाना और उसकी टाइमिंग्स को वर्किंग करना और कैलकुलेशन करना, जो इजी इफेक्टिवली हो जाती है त्रिभागी दशा से एज कम्पेयर टू विंशोत्तरी दशा. हम लोग सब विंशोत्तरी दशा में जब काम करते हैं तो विंशोत्तरी दशा के अपने रूल्स रेगुलेशन है. वेल सेइंग दिस डजंट मीन कि विंशोत्तरी दशा इज नॉट इफेक्टिव और वो उसका यूज नहीं है, उसका अपना यूज है. बट त्रिभागी दशा एकदम इम्पैक्ट करती है, बहुत जल्दी उसके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं. एंड इट इज अ वेरी वंडरफुल थ्योरी ऑन दैट पार्ट. और इसके साथ इसका जो कोर्स करिकुलम रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा. The classes will be on one minute. Classes will be on Monday and Wednesday at 9 PM. Classes will be on Monday and Wednesday 9 PM पे रहेंगी classes. और इसकी recording आपको मिलेगी plus repeat आपको मिलेगा, that remains there. And Monday Wednesday 9 PM classes रहेंगी. ये जो हमारा 2 महीने का सफर रहेगा त्रिभागी दशा का, 2 महीने के सफर में जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ऑनगोइंग 15% ऑफ है, दैट रिमेंस देयर, वो रहेगा. एंड इट इज द 1579 इज द 1 month फीस, पुटिंग टुगेदर इज 3158, एंड इफ यू पेड टुगेदर दैट विल बी 475 ऑफ, एंड दैट कम्स टू 2685. एंड दोज हु आर वेरी न्यू पार्टिसिपेंट द फर्स्ट टाइम इन द एकेडमी, द फीस इज 2107 मल्टीप्लाइड 2, दैट इज 2214. And they're 25% off for them, and the amount comes to 3158 for them. So these are the basic structural designs for the Tribhagi Dasha. 2 months journey, 9 PM Monday and Wednesday, every Monday and Wednesday 9 PM, and recordings are there. Rest of the things are available, live courses, all Zoom live sessions, right? And this is the payment details and this is the broad topics. These are the broad topics in, to be covered in the Tribhagi Dasha. Nitiji is yet to join. Ji sir. Ji Nitiji, thank you for joining. Ji, yes. Sorry, आज मेरे ना यहाँ पे electricity का कुछ है तो उन्होंने सारे generators लगा रखे हैं government ने, तो इस वजह से बीच बीच में थोड़ा सा हो जा रहा है, गर्मी बहुत है तो उन लोगों ने हमें एक ही जगह का AC चलाने को बोला है कि जब तक वो repair नहीं कर लेते. तो इसलिए आज मैं थोड़ा क्लास जो है फोन से ले रही हूँ. मैं अब शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ. सर मुझे शेयर करने का वो जी, मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट में. यू कैन शेयर नाउ. जी देखें, ये आपके सामने चार्ट दिख रहा होगा आप सबको. यस, ये अभी का चार्ट है. तो मैंने यहाँ पे जगह डेली ली है और 8:08 का चार्ट है, आज का चार्ट है. तो मैं इसमें आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि ये जो बच्चा जब ये जन्मा है अभी थोड़ी देर पहले, उसका जो लगन है वो आप यहाँ देख पा रहे हो कि मकर लगन की कुंडली है. मकर लगन के स्वामी जो शनि है वो दूसरे घर में बैठे हैं, और त्रिभागी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शनि की अपनी राशि है ये. मतलब हम ये जानते हैं कि शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ राशि, लेकिन शनि की ये जो 2 राशियां हैं, शनि एग्जॉल्टेड राशि है ये. शनि की मतलब मूल कीर्ताना राशि है शनि की, जिसमें शनि प्लेस्ड है इस समय. और मकर राशि की कुंडली है तो हम इसकी क्या प्रिडिक्शन आपको बताएंगे. अगर आप ये नीचे देखो कि भाई हमने एक तो ये देख लिया, इसमें क्या नोट करना है आपने कि भाई लगन की कौन सी राशि है, लगन की मकर राशि है, और उनके जो स्वामी है वो एग्जॉल्टेड राशि में अपनी राशि में दूसरे घर में बैठे हैं. एक ये चीज हमने नोट करी. फिर आपने क्या चीज नोट करनी है त्रिभागी में कि 8वें घर में सूर्य की राशि आई है और सूर्य जो है 6ठे घर में बैठे हैं. तो हम यहां से ये देख सकते हैं कि भाई
इस कनेक्शन का क्या मतलब हुआ कि लगन के जो स्वामी है वो जो आठवें घर के जो स्वामी है आपस में उनकी बनती नहीं है, ऊपर उच्च नीचे नीच। तो हम ये कह सकते हैं त्रिभागी दशा जब जब इस इंसान को शनि में सूर्य या सूर्य में शनि चलेंगे इस इंसान को बीमारी होगी। जब हम त्रिभागी की क्लासेस करेंगे तो आपको हर लगन के अपने आने वाली चीजें बताई जाएंगी, लेकिन इस लगन का जो पर्टिकुलर चार्ट आपके सामने खुला हुआ है मकर राशि के जो स्वामी है शनि वो अपनी ही राशि में है जो कि दूसरे घर की है, लेकिन आठवें घर की जो राशि के जो स्वामी है वो छठे घर में बैठे हैं। जब जब शनि के अंदर सूर्य की दशा चलेगी या सूर्य के अंदर शनि की दशा चलेगी इसकी जिंदगी में, तब तब ये बंदा बीमार पड़ेगा, 100% बीमार पड़ेगा। और एक चीज कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, यानी बचपन से ही इसको कुछ ना कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, ये हम त्रिभागी दशा से देख सकते हैं। अगर आप नीचे देखो तो चंद्रमा का चार्ट है, चंद्रमा का चार्ट में जो लगन में राशि आई है वो वर्गो है और उसी में चंद्रमा बैठे हैं। अब आप ये देखो कि जो वर्गो है यानी इसके जो चंद्रमा है वो भी न्यूट्रल राशि में है, ना वो उच्च के हैं ना वो नीच के हैं। तो चंद्रमा की जब भी चंद्रमा की दशा आएगी इसको राहत मिलेगी बीमारी से। अगर इसका राउंड शनि सूर्य और चंद्रमा का चलेगा, जैसे ही चंद्रमा की दशा आती है इस बच्चे को थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब हम आपको दिखाते हैं कि दशा, ये विमशोत्री दशा है, अब हम त्रिभागी दशा पे चलते हैं। अगर आप देखो कि भाई अभी इस समय जो बच्चा पैदा हुआ है उसको चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा की महादशा में इसको शनि की जब दशा आएगी तो वो आएगी 2/2/2023 से लेके 22/2/2024, और उसमें जब हम सूर्य को सिलेक्ट करते हैं तो ये बच्चा कब बीमार पड़ेगा, ये बच्चा बीमार पड़ेगा 23/8/2023, 14:29 मिनट पे ये बच्चा बीमार पड़ेगा। और कब तक बीमार रहेगा, 11/9/2023। अब एक चीज आप नोट की, अगर आपने नोट करी हो तो उसकी मंगल की राशि आठवें घर में पड़ी थी, इसमें आपके पास मंगल की राशि आठवें घर में पड़ी थी जिसमें आपके पास मंगल और राहु साथ में बैठे थे। मंगल और राहु जब साथ में बैठे थे तो हमने वो दिन कौन सा होगा जब इस बच्चे को जो घंटा जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा जब ये सबसे ज्यादा बीमार पड़ेगा 26/8 से लेके 27/8 तक मेजर बीमार पड़ेगा, 4:10 से लेके 7:09 तक ज्यादा तबीयत खराब होगी। ये हमने कैसे जाना, ये हमने जाना कि चार्ट से जो हमने त्रिभागी दशा से हमने कैलकुलेट किए। अगर आप इस चार्ट में देखो तो यहाँ पे चंद्रमा की आठवें घर में राशि मेष राशि है, मंगल और राहु साथ में बैठे हैं, तो हमने ये दो चार्ट को कनेक्ट करना है और इसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शंस दे सकते हो। खाली बीमारी की प्रेडिक्शंस नहीं, आप प्रेडिक्शंस जैसे मैरिज की दे सकते हो, जॉब की दे सकते हो, बिजनेस की दे सकते हो, आप सारी प्रेडिक्शंस उसमें दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, आपको कोई योग की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप सामने वाले की ये चीजों को देख के बता सकते हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो बेसिक रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ते हैं और बहुत आसान बेसिक रूल्स हैं जिसपे ये पूरी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और उसी के ऊपर आप सारी प्रेडिक्शंस करते हो। अब किसी का कोई भी प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, अभी तो मैं तो नया हूँ ये एस्ट्रोलॉजी के लिए जी। और पहले घर कौन सा, सेकंड घर कौन सा, वो सभी पता नहीं मुझे।
मैं कैसे जानता है वो आप एक्सप्लेन करेंगे ना? देखिए इसमें हम आपको आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको कि हम त्रिभागी दशा पढ़ा सकें, क्योंकि त्रिभागी दशा को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेस होना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आपको 12 राशियां प्लैनेट्स और घर पता है तो भी हम ये आप त्रिभागी कोर्स कर सकते हो। वो एक दिन का बेसिक तो आप नहीं ले सकते है क्या? इसमें हम लोग फर्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आपको बेसिक के थोड़े टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जब हम जो इसका जो बेस है वो जब हम ये पढ़ाते हैं कि शनि किन किन राशियों में उच्च के हैं, शनि किन किन राशियों में फॉल के हैं। यहाँ पे आपको एक हैरानी होगी ये जान के कि शनि जो है उनकी दो राशियां हैं दसवीं और ग्यारहवीं, वो एग्जॉल्शन में आते हैं तो सातवीं ग्यारहवीं और तीसरी राशि में, जबकि हम ये मानते हैं वैदिक में कि सातवें घर में जो शनि रहता है वो उच्च के रहते हैं और ग्यारहवीं राशि में भी वो जो आते हैं अपने ग्यारहवें राशि में जब शनि बैठते हैं तो भी एग्जॉल्शन पर है और तीसरी राशि में भी शनि जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन पर होते हैं और फॉल कहाँ होते हैं, शनि 1, 5, 9 में फॉल होते हैं। तो ये कनेक्शन आपको बताए जाएंगे जिससे आप ये पूरी कैलकुलेशन कर पाओ। और एक बात है मैम, आप तो ये 23, 22 वो सभी बोलता है ना, वो इंग्लिश में भी बोले तो थोड़ा इजी बनता है। नो प्रॉब्लम, वो डेट्स हैं वो आपको अपने आप जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले दिन तो बेसिक तो आप बोलेंगे ना, ये कौन सा घर है वो बेसिक तो बोलता है ना फर्स्ट डे। हाँ जी हाँ जी, बेसिक आपको अच्छे से बताया जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैरिज है, बच्चे हैं और हमारे बाकी चीजें हैं, वो सारी जो बाकी ज्योतिष में निकालते हैं वो सब इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे इस दशा से? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें सारी चीजें कैलकुलेट कर पाते हो, खाली इसके इस वाली एस्ट्रोलॉजी के रूल्स अपने अलग है, वो रूल्स के मुताबिक आप पूरी चीजें कैलकुलेट कर पाते हो और एक्यूरेसी इज 100%। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मैम ये जो त्रिभागी दशा है जो एस्ट्रो से जो ऐप है तो उसमें मिलेगा या आप बताएंगे? वो ये लियो स्टार करके एक फ्री ऐप है, उसके अंदर त्रिभागी दशा हम वही ऐप यूज करते हैं। अच्छा जी, और जो विंशोत्तरी दशा रहती है? हाँ जी, उसमें सारी दशा दिखेगी आपको। तो फिर हमको विंशोत्तरी दशा से ही देखना है या त्रिभागी दशा दोनों को मिला के देखना है? खाली त्रिभागी दशा से। अच्छा, ओके मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो चारू जी? मैम ठीक हूँ, थैंक यू। मैम मुझे इसमें पूछना था, इसमें रेमेडीज भी हैं क्या? चारू जी, इसमें रेमेडियल पार्ट यही है कि भाई हम आपको थोड़ा सा बता पाएंगे, बिकॉज पूरा रिमेडी कोर्स नहीं है ये, बट हाँ जो आपको जिस उसमें प्रॉब्लम आएगी हम वो बता पाएंगे। क्योंकि मैम जैसे प्लैनेट्स की तो रेमेडी चाहिएगी ना, चाहे हम अपने लिए करें चाहे किसी के लिए भी करें, तो रेमेडीज देंगे तभी तो फिर फायदा है ना मतलब। जी चारू जी, अगर आप रिमेडियल वो देख रहे हो ना, फिर आप लाल किताब कीजिए, लाल किताब से बेहतर रिमेडियल कुछ भी नहीं है। जी ठीक है मैम, ओके थैंक यू जी। जी शिल्पी जी पूछे। मैम एग्जैक्ट डेट्स एंड टाइम्स कैन बी टोल्ड अबाउट एनीथिंग इन लाइफ? यस, एनीथिंग इन लाइफ, एंड इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट, वेरी इजी टू कैलकुलेट। बाकी पद्धतियों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, जैसे कपल इंटरलिंक हो गया या अदर जो चीज, लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं करना पड़ता। Okay. जी जी दीपेश जी पूछे। आप अनम्यूट करके पूछे। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस थैंक यू मैडम।
मैम इसमें पूछना था कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, इट्स ऑन लाल किताब और वैदिक? नो नो, इट इज अ पार्ट ऑफ अ वैदिक, ना ये लाल किताब पे बेस्ड है, ना ये केपी पे, ना किसी पे, ये अलग ही अपनी एक अप्रोच है। और ये जो एस के मेहता जी ने अप्रोच करी थी और उन्होंने जो कैलकुलेशंस करी उसमें एक्यूरेसी काफी अच्छी आई, मतलब कि उसमें हमें ये पता चला कि कई बार हम मिस कर जाते हैं, हम हमेशा विमशोत्री दशा को मान के चलते हैं, लेकिन जो त्रिभागी दशा है, जो तीसरा भाग है हर दशा का, वो कम ज्यादा काम कर, जो हम देख रहे थे ना कि भाई इसकी जब शनि की दशा आएगी या सूर्य की दशा आएगी तो वो जो भाग है वो विमशोत्री दशा का एक तीसरा भाग है। जो जो डेट्स आपके सामने आई, जो मंथ्स आपके सामने आए, वो पूरा उससे भी ज्यादा आपको दशा मिलेगी शनि और सूर्य की। अब आप ये देखें कि भाई शनि की महादशा चली उस इंसान को, ठीक है, अब वो पूरी शनि की दशा में थोड़ी बीमार रहेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि भाई पूरी महादशा में ही बीमार रहेगा। तो इसीलिए जो अप्रोच है ये उस, जैसे कहते हैं ना कि डार्ट मारना कि भाई एग्जैक्टली पॉइंट पे लगे, ये वो वाली एस्ट्रोलॉजी है। नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपने इनिशियली बताया था कि तीन राशियां हैं, जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, मेरे पास एक कुंडली है जिसमें उनकी थर्ड हाउस में जुपिटर है, एंड यू आर बैंग ऑन दैट कि उनका मैरिटल लाइफ में काफी इश्यूज चल रहा है। अभी ये तो आपने, इसमें ये रूल है या एक कॉन्सेप्ट है? नहीं नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, हम कॉम्बिनेशन को भी पढ़ेंगे जी। इसके अंदर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि आपने लगन देखना है और लगन देख के आपको सारी चीजें अपने आप दिमाग में आ जाए, लगन से ही आप बता पाओगे कि आप तेरे को ये प्रॉब्लम है। okay. और सामने जो आके बैठेगा वो आपको ये बताए। और कई बार जब आप इसमें बहुत आगे चले जाते हो ना, तो आप इंसान से दो मिनट बात कर लोगे ना, दो मिनट में ही आप बोलोगे अच्छा तेरा क्या ये लगन है, क्या तेरा ये वाला ग्रह यहाँ बैठा है क्या, तो कहेगा हाँ तुझे कैसे पता, या नहीं पता तो बोलोगे अच्छा टाइम दे, जैसे आप खोलोगे तो इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आती। ओके ठीक है, तो इसके लिए कोई लैपटॉप का भी सॉफ्टवेयर है, लियो स्टार ऐप इज द बेस्ट? ये खाली लियो स्टार ऐप में ही आपका काम हो जाएगा, कोई आपको ना सॉफ्टवेयर खरीदना है ना कोई लैपटॉप चाहिए, सिर्फ आपने टाइम डालना और उसमें त्रिभागी दशा देख लेनी। ओके, to what depth it goes? It goes to the depth of the perfect timing of the incident. Ji, it goes up to the yes event होने का time, up to the minute कि भाई कौन से minute ये चीज घटेगी। अब मान लीजिए कि भाई किसी की payment आनी है, ठीक है, अब वो payment आनी है तो आपने जी आप KP के SEIL या लाल किताब, उसमें आप कुंडली पे कुंडली बना के देखोगे भी चंद्रमा यहाँ आएगा, ट्रांजिट देखोगे, ये देखोगे वो देखोगे, इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। इसमें आपको जो क्वेश्चन सामने वाले ने पुट किया है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका प्लैनेट और उसके घर देखो, उसके बाद उसको आप कॉम्बिनेशन पे बिठाओगे और आपको आंसर सामने से आ जाएगा कि भाई आप उसको ये बता पाओगे जो तू पैसे की इंतजार में बैठा है वो इतने बजे आएगा। Okay, so basically it is the karatattva of the house and the karatattva of the planet that needs to be combined and then you can give the prediction. जी, Am I right, ma'am? जी, इसमें लेकिन, लेकिन इसके अंदर जो combinations है ना, जो हमने जैसे combinations कहे कि जब अभी जो मैंने आपको कुंडली दिखाई जो बच्चा पैदा हुआ उसका शनि और सूर्य का जो combination है उसको बीमारी देगा ही देगा, क्योंकि आठवें घर का सूर्य था और दूसरे और पहले घर का शनि थे और छठे घर में सूर्य बैठे थे। तो जब सूर्य जब भी आपके मैल्फेनिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो जाए किसी भी बेनिफिक प्लैनेट पे, तो वो लिविंग थिंग्स को प्रॉब्लम देती है और नॉन लिविंग थिंग्स को वो बढ़ा देती है। यानी आप देखोगे कितनी बार हम कितनी बार कहते हैं कि शनि की दशा माला माल कर जाती है, राहु की दशा माला माल कर जाती है, तो वो इसी वजह से होता है। लेकिन वो बंदे को पूछना कि भाई आपको शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, पैसा आ रहा है लेकिन तबीयत खराब है, या मैंने इसको खो दिया, या ये डेथ हो गई, या मेरे प्यार मेरे लव वंस को कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? ये सारी चीजें त्रिभागी दशा से हो रही है। You will give us these concepts also, no? जैसे कि शनि being a malefic planet, you will give us these concepts also, ma'am. Everything. I will see you there, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Dipesh. Thank you.
सर आपको क्वेश्चंस जरा खोलने पड़ेंगे, मेरे पास विंडो आज छोटी है। पारुल जी आपका प्रश्न पूछे सर, पारुल जी करके पूछे। मैंने पूछा सर, पूछ लिया। प्लीज कीप योर हैंड डाउन। ओके मनीष जी आपका प्रश्न पूछे। प्लीज कीप योर विंडोज ओपन। रजना जी अपने विंडो ओपन करके बात कर रहे हैं। मनीष जी आपका प्रश्न पूछे। हेलो मैडम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ मनीष जी, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ मैडम। मैडम मैंने ना जल्दी जल्दी के अंदर आपका वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और मैंने अपनी दशा देख ली, तो वो त्रिभाषी के अंदर, वैसे तो विंशोत्री में तो वो मंगल की दशा चल रही है, तो त्रिभाषी में राहु की दशा दिखा रही है वो। और मैडम इसी कैलकुलेशन से तो हमारे लाल किताब के अंदर भी मेरी राहु की दशा चल रही है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि पंडित जी जो हमें विद्या देके गए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग विद्या है। आपके पास तो ये फायदा है मनीष जी, अगर आप त्रिभागी करोगे तो आपके पास तो रिमेडियल पार्ट पहले से ही है। तो वही वाले, हाँ जी, तो वही वाले रिमेडियल पार्ट हम लोगों को यहाँ पे यूज करने। देखिए प्लैनेट्स तो सेम है ना। हाँ लेकिन मैडम अब मैडम मुझे तो चलो ठीक है, बिकॉज आई ज्वाइंड लाल किताब बिकॉज इट वॉज वेरी मच सिंपल as I've heard from, यानी कि पहले से मैं सुनता हुआ आया। लेकिन मैडम इसके अंदर तो यू नो जैसे कि ये हर एक यानी कि क्या बोलते हैं इनके हर एक के घर वो सब तो अलग अलग है। जैसे कि अभी मेरा 12वां 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि दैट इज द मेन नक्षत्र एंड ऑल दो स्टफ, तो उसको कैसे हैंडल करूंगा? नहीं नहीं उसके अंदर देखें, हम लाल किताब में राशियां नहीं लेते, इसमें हम राशियां भी पढ़ राशियों को भी महत्व देते। तो मैडम आप राशियां भी करवाओगी? क्योंकि राशियों के बारे में तो पता ही नहीं जो है। हाँ हम जो जर्नी रहेगी वो इट इज बेसिक टू एडवांस जर्नी है, और ये जो आपको पूरी पद्धति है ये आपको इस कोर्स में समझ में आ जाएगी, और हम इसमें जो है बेसिक भी कवर करेंगे। ओके मैडम, तो मैं ऑलराइट ठीक है, सो दिस इज स्टार्टिंग टुडे एंड दिस विल बी सर ये दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे राइट एंड आई मीन टुडे इज अ वेबिनार। और इसमें जो मनीष जी आपने पूछा बेसिक्स, तो बेसिक्स व्हिच मींस द रिवीजन ऑफ बेसिक, रादर आई वुड से दैट वे वी विल हैव ऑन द फर्स्ट टू क्लासेस राइट, सो दैट वी विल ऑल एट द वन पेज देयर ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट द त्रिभागी दशा। सो जिनको राशियों के बारे में थोड़ा भी ज्ञान है या नहीं है, सो वी ऑल कम टू द वन पेज। सेकेंड लाइक भाव के विषय में किसी ने बोला कि भाव के बारे में नहीं पता, तो राशि भाव सबकी रिविजन करने के लिए 1-1.5 क्लास काफी होती है, तो वी विल डू दैट इन द बिगिनिंग एंड इट्स अ 2 मंथ्स जर्नी वेयर वी हैव अबाउट 60-70 क्लासेस, तो उसके बाद जो 14-15 क्लासेस होंगी दैट प्योरली ऑन त्रिभागी दशा। ऑलराइट ऑलराइट थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजना जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। मैम आपको पता ही है आपसे मैं ज्यादा करके सारे भी मतलब कर रही हूँ कोर्सेस। मैम जैसे भी वो लाल किताब चल रहा है, भास्करण चल रहा है, मेरी फार्मेसी भी चल रही है, वो साइंस ऑफ नक्षत्र भी कर लिया है उस। मैम अभी मैं सोच रही हूँ ये वाला भी कर लूँ, वो हेल्प करेगा मैम? मतलब डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट मैं कंफ्यूज तो नहीं हो जाऊंगी मैम? अभी ये लग रहा है ज्यादा कोर्सेस। ये जो कोर्स है रंजना जी, ये बिल्कुल ही अलग दशाओं पे बेस्ड है। ये इसमें आप ना विमशोत्री देख रहे हो, ना इसको कहीं कनेक्ट कर रहे हो, ये अलग ही आपको कैलकुलेशन बेस्ड पद्धति है। लेकिन ये पद्धति जो है वो आपको एक्यूरेसी में थोड़ी सी बेहतर है और आसान है। ओके मतलब वैसे भी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड कर बनाना है तो ये तो सीखना ही पड़ेगा। जी जी ठीक है मैम, ओके मैं ज्वाइन करने वाली हूँ। Anyone have any other questions with respect to the subject or the journey? Please, you may ask. And इस journey में जैसे मैंने अभी starting में broad topics दिखाए थे, so the topics are very broad level और ये topic astrology के actually होते भी हैं। And उसकी detailing के अंदर जब आप जो भी आप answer आप निकालेंगे तो वो आपको detailing मिलनी चाहिए। So don't go only by the 4 lines के जो topic मैंने आपको दिखाए, क्योंकि जीवन में topic ही 4 होते हैं इंसान के। तो
just now I actually installed that Leo Star. In that only Vimshottari Dasha is showing, sir, not Tribhagi. Tribhagi, Dr. Ji, aap usko just click on it and you will see in the Dasha, just click on it. You will see the list of Dashas. It will show you Tribhagi. Where to click? You have gone, click over the chart. See, on the first page, there is Lagna Chalit, below that planet degrees. Next to that, Vimshottari Dasha. Next, Navamsha. Oh. Yeah. So you have to go, just click on the charts. There is a chart showing up where there's a pointing arrow down. Just click on that. You will see, it will show you, it will open the panel where it will show you the dashas also. Just click on that button and it will show you all the dashas. You need to find actually type of dashas. Jab aap type of dasha find out karoge to Vimshottari aur Tribhagi dono alag alag nazar aayegi. It is showing north, south, Bengali like that, not the dashas. नहीं दिखाई देगा सर, वो उसी से ही होता है. लियो लियो सॉफ्ट जो है उससे होता है ये. हम आपको वी विल गो विद द जर्नी, ड्यूरिंग द जर्नी वी विल टीच यू हाउ टू गो विद इट. जी जी बिल्कुल सर. सो आप पहला क्लास में काम ये होगा, फर्स्ट क्लास में लेट्स इंस्टॉल दी Tribhagi Dasha इनटू द मोबाइल. पहले क्लास में होगा ये बिकॉज़ एंटायर जर्नी उसी पे बेस्ड है. सर इसमें बेसिक एडवांस दोनों है या बेसिक है ये? सी Tribhagi Dasha का अपना पूरा कोर्स है ये. और एज वी सेड इन द बिगिनिंग कि इसके अंदर बेसिक्स इन द सेंस कि जिन कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है राशि को, प्लैनेट को, हाउसेस को रिलेट करने में, सो इनिशियल 1-2 क्लासेस वी विल डू दैट एंड देयर आफ्टर Tribhagi Dasha प्योर क्लासेस. एंड ये इटसेल्फ है अपने आप में एक ही कोर्स है. मतलब इसका ऐसा नहीं है कि आज हम ये Tribhagi Dasha का लेवल 1 करेंगे फिर लेवल 2 आगे आएगा, ऐसा नहीं है. अपने आप में कंप्लीट है Tribhagi Dasha. सर ऐसा भी कर सकते हैं ना, कुछ वीडियोस दे दे बेसिक वालों के लिए? बेसिक वालों के लिए फिर वो बेसिक का पूरा कोर्स अलग है. लाइक दे हैव टू गो फॉर ए कोर्स. इट इज नॉट लाइक कि वो एक या दो वीडियो तो उनका तो हम उनको बता ही देंगे. उसके ज्यादा उनको डिटेल में जाना होगा उसका, तो उसके लिए तो उनका कोर्स ही अलग है. नहीं नहीं वो तो मेरा मतलब है कि अब Tribhagi के क्लासेस थोड़े कम हो जाएंगे इनके बेसिक सिखाने में, बेसिक्स के डाउट पूछने में. Tribhagi के क्लासेस अपने बहुत है सर, 14-15 क्लासेस Tribhagi के होंगे. इट्स अ गुड एनफ क्लासेस इंक्लूडिंग प्रैक्टिस. अच्छा अच्छा, इसमें प्रैक्टिस रहेगा, कितने कुंडली पे प्रैक्टिस करेंगे सर? इसके अंदर प्रैक्टिस हम कुंडलियों पे ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है, ये थ्योरी पार्ट नहीं है इसमें. अच्छा जी, तो इसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिस हम उसी पे ही कुंडली पे ही करेंगे. तो आप लोगों की जितनी ज्यादा कुंडलियां हमारे पास आएंगी हम उतनी ज्यादा इस पे प्रैक्टिस कर सकेंगे, और जो हमारे पास होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे. एक 50 कुंडली तक हो जाएंगे मेरे वोट? डिपेंड, 50 से ज्यादा हो जानी चाहिए, क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशंस है ना वो ज्यादा लेंदी कैलकुलेशंस नहीं है, टू द पॉइंट कैलकुलेशन होती है. तो जैसे अगर हमने मैरिज का टॉपिक उठाया तो हम उसके ऊपर कम से कम नहीं तो 10 से 12 कुंडलियां तो हम उसी में कर देंगे. अच्छा अच्छा ठीक रहेगा फिर तो, अच्छा रहेगा. ऑलराइट जी, थैंक यू जी. जी किसी का और कोई प्रश्न? दीपांश जी ने इसके, दीपांश जी आप बोले, दीपेश जी बोले आप. हाँ जी मैडम जी, ये पूछना था कि मैं अभी देख रहा था ये ऐप के ऊपर Tribhagi Dasha का जो दशाएं है वो तो टोटली अलग है Vimshottari सी. मतलब अगर जैसे मैंने किसी की कुंडली देखी तो उनकी Vimshottari में समझो मंगल की दशा चल रही, महादशा चल रही है, और अंतर दशा वीनस की चल रही है. इसमें कुछ और ही दिखा रहा है, राहु या केतु की दशा चल रही है. करेक्ट. अच्छा अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने किसी की दशा देखी, ठीक है, जैसे आपने कहा आपके पास एक कुंडली है जिसमें हमने कहा कि भाई कैंसर पाइसियन या स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, तो अगर जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा है तो बैडली इफेक्टेड मैरिड लाइफ है, ठीक है. अब आप ये देखें कि उसकी Tribhagi में क्या दशा चल रही है, तो जो Tribhagi की दशा चल रही होगी वो ऐसी दशा होगी कि जो आपको सेवेंथ हाउस के छठे, मतलब कि 12वां घर जो रहा, सेवेंथ का 12वां, सातवें का 12वां छठा जी, उसका लॉर्ड
कहीं ना कहीं त्रिभागी दशा में एक्टिव होगा और दूसरा साथ में दसवें घर का लॉर्ड भी कहीं ना कहीं एक्टिव होगा। यहां से तो जब जब अब त्रिभागी आपको क्या बता रही है, त्रिभागी ये बता रही है कि भाई इसके छठे घर की और इसके दसवें घर की दशा चल रही है, तब इसको इस पीरियड में यहाँ पे जो प्रॉब्लम प्रॉमिस थी लगन से कि भाई इसकी शादी में प्रॉब्लम होगी, अब इस टाइम इसको तंग कर रही है। नहीं, मेरा एक सवाल इधर था, इनकी मैरिज में प्रॉब्लम लास्ट 5-6 साल से चल रही है, ठीक है, पर हम जब ये देखेंगे त्रिभागी में तो हम कंक्लूजन पे आ सकते कि इनकी मैरिज आगे जाके डाइवोर्स होगी या कंटिन्यू होगी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न ऑल दिस फ्रॉम यू मैम। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चंस दैट वुड लाइक टू आस्क, प्लीज आस्क। इन द मीनवाइल आई एम आल्सो शेयरिंग अ लिंक हियर, जो लोग हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है किसी भी बैच में या किसी भी ग्रुप में, प्लीज ज्वाइन इट। दोज हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द एकेडमी, वी मे नॉट नीड टू ज्वाइन अगेन, बट जिनका कोई भी ग्रुप में नहीं है, प्लीज मस्ट ज्वाइन, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम दे सकें और आप हमसे कनेक्ट कर सकें। सो मैंने एक लिंक ग्रुप में शेयर किया, चैट में शेयर किया, वो आप एक बार, नितिन जी यू आर द होस्ट, यू प्लीज गिव मी होस्ट बैक, बिकॉज़ इसका आज को होस्ट नहीं आ रहा, गिव मी होस्ट बैक। जी जी जी। एंड इस लिंक को ज्वाइन आप जो लोग हमारे ऑलरेडी कोर्सेज में हैं या ग्रुप्स में हैं। विच ग्रुप हैव यू, सॉरी सर, विच ग्रुप हैव यू शेयर्ड सर? I'm putting it there. Let Nitish give me the likes back. और शिल्पा जी आपको join करनी चाहिए, you are already part of the many groups. आपको बिल्कुल जितनी पड़ेगी इसमें। I'm only saying कि जो लोग हमारे किसी भी group में नहीं है, full वो लोग join करें ताकि उनको information मिल जाए time पे। So chat के अंदर link आया है आपके पास। और जैसा I understand दीपेश जी ने भी बोला, दीपेश जी I think he is not part of any of our group, दीपेश जी। So नहीं जी, मैं भास्कर थेरी कर रहा हूँ मैडम के साथ। अच्छा ठीक है, डन डन डन, ऑल राइट, सो वेलकम, राइट, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। मंडे एंड वेडनेसडे आर द क्लासेस आई रिपीटिंग एट 9 PM, ऑल क्लासेस ऑन जूम एंड द लाइव रिकॉर्डिंग विल बी शेयर टू यू, एंड प्लस जो समरी ऑफ नोट्स नितिन जी विल शेयर टू यू, एंड द फीस स्ट्रक्चर आई जस्ट शेयर टू यू दैट जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, एक भी क्लास जो उन्होंने हमसे किया ज्वाइन किया है, उनके लिए 1579 मल्टीप्लाई बाई 2358 माइनस 15% विच कम्स टू 2685, एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग फर्स्ट टाइम विद अस एन अकेडमी एंड दैट 2107 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज 4214 माइनस 25% दैट इज 315, एंड इफ यू गिव एनी रेफरेंस दैट द 15% ऑफ द 15% द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस submission will be credited to your account, and those who did 7,000 rupees of course in 1 month, the 15% of 7,000, that is 1,000 rupees, will also be credited to your account, which you can make use of it later on. And academy also provide discount on for the participant on their products, that is 15% additional discount top of the product price jo market pe academy share karti hai, top of it 15% additional discount for them. So make use of these opportunities and do as much as gyan you can take, because gyan ek aapka apna assets hai, gyan aapke hamare sabke liye apne liye ek hamare ko har samay mein hamare ko disha nirdesh deta hai, darshan deta hai, jiske balbute pe hum predictions karte hain aur ek logo ki sahayata kar pate hain. So please do continue. Anything you would like to share, anybody? Then otherwise, if Niti ji, आप कुछ share करना चाहते हैं, otherwise we may call the today's seminar. नहीं सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि participants के लिए कि आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान पद्धति है लेकिन बहुत मजेदार है. आप जो है उसमें डेट टाइम ऐसे ही प्रिडिक्ट कर दोगे, तो और वो डेट टाइम जो आप प्रिडिक्ट करोगे, ना वो इधर जाएगी ना वो उधर, होनी ही है वो चीज. और ये जो है एच के मेहता जी ने एक बहुत अच्छी हमारे साथ ये अपनी विद्या शेयर करी है, और ये एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में एक बूम है कि भाई आप जो है कि कैसे सामने वाले को ये बता दो कि ये घटना घटेगी, इतने बजे घटेगी, और बहुत आसानी से बता दोगे.
सीआईएल और केपी में हमें सब लॉर्ड सब सब लॉर्ड की बहुत कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन इस वाली विद्या में आपको कैलकुलेशंस बिल्कुल जीरो है, सिर्फ कुछ रूल्स हैं वो आपके दिमाग में कहानी की तरह बैठ जाएंगे जिसको आप लगा पाओ। मैम इसमें कोई भी तरह का क्वेश्चन आया हो, यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि जॉब करे या बिजनेस करे, जॉब करे तो वो कब मिलेगी, बिजनेस करे तो अपना स्टार्ट कभी से करेंगे, एब्रॉड जाएंगे कि नहीं, सब तरह के क्वेश्चन का आंसर डेट के साथ मिलेंगे? सब सब तरह का क्वेश्चन होगा, और इसमें आप प्रश्न कुंडली भी लगा सकते हो। सामने वाला अगर बैठा है तो इसको त्रिभागी दशा को आप प्रश्न कुंडली पे भी डाल के देख सकते हो। अच्छा, तो वो हिसाब से वो प्रश्न कुंडली में जो भी डेट आएगी वो हिसाब से हम आंसर कर सकते हैं। जी, वो आपने करनी तो दशा के अनुसार ही है, तो लेकिन जो चार्ट आपके सामने बनकर आता है त्रिभागी के लिए वो चार्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका जैसे क्वेश्चन आता है, सामने वाले ने पूछा कि भाई मैंने अपनी टिकट कराई है विदेश जाने की, चलो मैं घूमने जा रहा हूँ, क्या मैं अच्छे से जा पाऊंगा और मेरी यात्रा सफल रहेगी, यही क्वेश्चन अगर आपने त्रिभागी दशा में देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कुछ भी छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा हो, आप हर चीज का आंसर त्रिभागी से दे पाओगे। यानी कि हम लोग प्रश्न कुंडली के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे इसमें। एग्जैक्टली जी। ओके मैम, ओके, थैंक यू। एक छोटा डाउट है, लास्ट डाउट जी। आप समझो इसमें रीजन का पता चलेगा, समझो जॉब छूटने वाली है, इसका रीजन क्या होगा पता चला सकते हैं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल पता चलेगा। इसमें आपको जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ग्रह आपकी जॉब छुड़वाने वाला है और क्यों छुड़वाने वाला है, उसका रीजन क्या है, ये भी तब सब तक आपको पता चलेगा। ठीक है ठीक है, तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। मैम हेलो मैम। हाँ जी अनीता जी, प्रेडिक्शन तो हो जाता है मैडम, एक्चुअल रीजन पता नहीं चलता। पूछना था। हाँ जी हाँ जी, ऋतु जी पूछे आपका क्वेश्चन। मैम एनी वन वन अनीता जी चलिए आप बोलिए पहले। मैं ये पूछे थे कि इसमें सैटर्न जहाँ गुरु का ट्रांजिट नहीं हम देखते, मेरी आवाज नहीं आ रही सर? हाँ जी आ रही है। हेलो, You are very much audible. Please go ahead. सर वो मेरे हिसाब से वो ये पूछ रही हैं कि हम हाँ जी आपने कहा कि हम इसमें शनि का ट्रांजिट नहीं देखते, क्या इसमें हम कोई ट्रांजिट नहीं देखते, हम सिर्फ दशा त्रिभागी दशा को देखते? हाँ जी जी। ओके, तो मतलब बिना उसको ट्रांजिट को देखते हम ये जी बिल्कुल। मैम ये लियो स्टार वाला जो ऐप है उसमें कहाँ देखना है त्रिभागी दशा? मैम ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैम नमस्ते। नमस्ते ऋतु जी। मैम एक्चुअली ना मैंने अभी ज्वाइन किया कुछ 5 मिनट पहले, तो मुझे बस ये पूछना था कि मैंने ना और भी पहले कोर्सेस किए हैं किसी और से, तो उसमें ना वो लोग बोलते हैं गोचर सिखाएंगे कैसे देखना, एक्चुअली मेन तो गोचर होता है टाइम देखने में इवेंट का कब एग्जैक्टली होगा, फिर वो बाद में जब होता है कोर्स फिर बोलते हैं नहीं ये तो आपको आना चाहिए था, ये तो आपको फिर इसके लिए नया कोर्स और ज्वाइन करना पड़ेगा, मतलब है ना वो इवेंट देखना आ नहीं पाया मुझे, मतलब कहने की बात है। तो आई होप मतलब आपका तो मैंने क्लासेस की है, लेकिन ऐसे नहीं हो कि ना फिर बाद में हमें आए इवेंट, देखिए मेन देखना आना चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को। एक सेकेंड ऋतु जी, इसमें मैंने पहले ही कहा जो अभी नीता जी ने क्वेश्चन किया कि क्या हम इसमें ट्रांजिट देखते हैं, तो उसका आंसर तो मैंने बोला कि इसमें हम ट्रांजिट नहीं देखते, इसके अपने कुछ कॉम्बिनेशंस एंड रूल्स हैं जिस पे ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। और फिर किसी ने बीच में ये भी पूछा था कि इस पे हम कुंडली पे काम करेंगे, तो मैंने कहा ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये थ्योरी नॉलेज नहीं है। दूसरी चीज की जो आप गोचर की बात कर रहे हो, जो ट्रांजिट की बात कर रहे हो, वो ज्यादा हम केपी और भास्करन में देखते हैं। अगर आप मेरे भास्करन की उसमें कोर्स में हो तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रांजिट सिखाया जाएगा, क्योंकि जो पद्धति जैसे काम करती है
हम उसको पूरी नॉलेज वैसे ही देते हैं। अगर आपने हमारे साथ, आपने तो हमारे साथ मेरे साथ लाल किताब भी करी हुई है, तो जो लाल किताब के पन्ने पे पेज टू पेज है, हम वही बताते हैं कि जो ओरिजिनल होता है। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि भाई हम आधा टॉपिक करने के बाद कि ये तो आपको आना चाहिए था, हम पूरी नॉलेज ही देते हैं। और जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं हो तो आप सामने वाले का भला नहीं कर पाओगे, आप उसका नुकसान ही करोगे। तो इसलिए ये जो रूल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई जो चीज इस पद्धति में है वो आपको पूरी दी जाएगी, और जो जो हमारे जिस जिस कोर्सेस में होता है हम उसको पूरा डिलीवर करते हैं। मैम वही मतलब हमें आना चाहिए इवेंट देखने ना, क्योंकि मेन मेरे मन में है कि इवेंट देखने जाना चाहिए, मतलब ऐसे ना। एक चीज होती है प्रैक्टिस, मतलब अगर आप उसको किसी चीज को आप शिद्दत से करो, वो शाहरुख खान का डायलॉग याद है ना कि अगर कोई चीज आपको बहुत ज्यादा तो यूनिवर्स भी आपके पीछे लग जाती है उसको मिलाने के लिए। तो वो चीज अगर आप मानते हो उस चीज में, तो एक होती है प्रैक्टिस। कोई भी नॉलेज जो है आप, जैसे वो कहते हैं ना, लिख लिख के आप उसको और आगे बढ़ा सकते हो, तो वो आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से करते रहोगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको इवेंट्स को जानना और कैसे लगाना है, क्या आंसर्स आएंगे, वो सब आपको बताया जाएगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस से आगे बढ़ोगे। हम आपको वहां तक छोड़ेंगे कि जब आपको फुल फ्लेज पता हो कि ये होने वाला और ये कब होगा। ओके मैम जी, थैंक यू मैम, वेलकम ऋतु जी। हाँ सिंधु जी, अपना वीडियो ऑन करें। शिव जी आपका प्रश्न पूछे। मैम भास्करण पद्धति ज्वाइन करना जरूरी तो नहीं है ना मैम? लाइक आई हैवंट जॉइंड भास्करण पद्धति। कृपा जी, भास्करण जो है वो अलग है, वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड, और वो मतलब उसमें जैसे अभी मृत्यु जी ने कहा कि उसमें ट्रांजिट्स और वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन पर रहती हैं। ये जो है ये त्रिभागी दशा में है। कई बार क्या होता है कि एज एन एस्ट्रोलॉजर कि मेरे पास कोई कुंडली आती है तो मेरा मन नहीं भरता अगर मैं खाली उसको लाल किताब से देखूं, तो मेरा मन चाहता है कि मैं इसको जरा CIL से भी देखूं कि ये जो मांग रहा है क्या होगा, कभी क्या इसको मिलना है, क्या इसकी क्या प्रॉमिस लेकर आया ये। फिर मैं उसके बाद देखती हूँ कि भाई एक बार मैं को त्रिभागी से भी रन कर लेती हूँ कि क्या ये जो इवेंट होगी कैसे। अब मान लीजिए कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि सामने वाला कुछ मंशा है उसकी कि भाई मेरी शादी होगी। जैसे कोई जवान पेरेंट्स हैं, वो अपने जवान बच्चे की शादी के बारे में पूछ रहे हैं, तो इन पद्धति को सिर्फ एक से देख के जवाब देना ये हमारे लिए भी कुछ अच्छी बात नहीं है। जब तक हम उसी क्वेश्चन को सबसे रन नहीं कर लेते तो हम आंसर एक्यूरेसी हमारे पास नहीं है ना। right. तो इसलिए जितनी नॉलेज आपको एस्ट्रोलॉजी में, और बल्कि आई थिंक कि कोविड ने हम सबको इतना वो कर दिया है कि घर बैठे ही नॉलेज हमारे तक चलकर आ रही है, जिसका फायदा हमें उठा लेना चाहिए। जब पूरा वर्ल्ड वापस से खुल जाएगा तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर नॉलेज थोड़ी सी वापस से कम होनी है, लोग नहीं देंगे फिर। बट मैम वैदिक एंड लाल किताब एंड ऑल, समबडी हु हैज अ बैकग्राउंड लिटिल बिट ऑफ इट, दैट कैन हेल्प द बेसिक। यस यस, बेसिक्स टू गेट इट जी सर, वो बेसिक में भी बहुत कुछ आता है, तो आपको टेंशन नहीं है कि बिल्कुल जो आपका प्रश्न पूछे। गुड इवनिंग मैम। मैम इसमें जैसे दशा के अकॉर्डिंग वैदिक वैदिक जैसे हम करते हैं तो उपाय होते हैं, इसमें भी उपाय होते हैं मैम? पाल सिंधु जी आपने तो पूरी लाल की पार्टी हुई है। उपाय ना के बैलेंस के होते हैं, और जब प्लैनर के उपाय अगर आपके पास सामने आ गए ना, तो आप उसको लाल किताब के लिए अप्लाई करो, या केटी के लिए अप्लाई करो, या वैदिक के लिए अप्लाई करो। प्लैनर का उपाय क्या है? त्रिभागी के लिए अप्लाई करो। हाउ डज इट मैटर? कोई उपाय क्या है? थोड़ी भी क्या होता है कि मैं लाल किताब का उपाय हूँ। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज यू डिड लाल किताब एक्सटेंसिवली, आपने एक्सटेंसिवली लाल किताब पढ़ी है और आपको सारे प्लैनर के उपाय पता है। So then there is no reason कि आपके उपाय नहीं है आपके पास। You have, आपके पास तो थाली भर के उपाय हैं। मैम इसमें promise में हम देखते हैं कि नहीं वैसे? नहीं नहीं, इसमें promise वगैरह हम नहीं देखते, हम direct जो है ना आपको answer देते हैं कि भाई अगर शादी होनी है तो कब होनी है, कौन सी दशा में होनी है, ये दशा के साथ ये दशा वाला प्लेनेट आएगा, तो हम और क्लोज क्लोज उतर जाते हैं कि भाई कौन सा महीना, कौन सा दिन, क्या टाइम होगा, ये सारी चीजें हम आपको डायरेक्ट पहुंचते हैं। आपको प्री कैलकुलेशंस
कुछ भी देखने की, तो हम आप डायरेक्ट हिट करते हो कि भाई हाँ ये जगह पे ये होना है, इसकी दशा अलग है और एड बुक की अलग है और वैदिक की अलग है, तीनों की अब होना है। हर एक एस्ट्रोलॉजर के बाद जितनी पद्धति हाथ में होगी ना उतना उसको गेन है, क्योंकि जितना ज्ञान हाथ में होगा उतना अच्छा और उतना अनुभव उसके साथ वो काम कर पाएंगे। और इट्स लाइक ए डॉक्टर, जिसके पास जितना ज्यादा शिक्षा या ज्यादा उसके पास नॉलेज होती है वो उतना बेटर परफॉर्म कर पाता है। यू आर ऑल एक्चुअली डॉक्टर्स। मैंने जो नोट करी है अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस में कि आप सामने वाले को जब आंसर देते हो ना तो आप कहीं ना कहीं जवाबदार हो जाते हो अपनी आत्मा के और सामने वाले के कर्मों के। तो अगर आपने उसको सही आंसर दे दिया और ऊपर वाले का नाम लेके उसको आंसर दिया और वो उसको सही आंसर ही गया है आपकी तरफ से, तो आपने अपना भाग्य अच्छा कर लिया, अपने कर्म अच्छे कर लिए। तो इसके लिए इस वजह से जितनी एस्ट्रोलॉजर के पास नॉलेज जितनी तरह की हो उतनी कम है। मेरा एक डाउट है मैडम, अभी समझो आपने बताया, आप बता देंगे कि मैरिज कब होगा, अगर इसका योगी नहीं तो क्या होगा? सर वो तो हमें इसमें पता चल जाएगा ना, प्रॉमिस तो नहीं देखेंगे ना हम सब मैडम? नहीं नहीं, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे अच्छा। हमारे पास केपी और भास्करन में सातवें घर का प्रॉमिस है कि नहीं है, आपके पास सपोर्टिंग हाउस का प्रॉमिस है कि नहीं है, वैसे ही त्रिभागी दशा में आपके पास कॉम्बिनेशंस होते हैं कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, तो ये कभी कभी कोई कॉम्बिनेशन कह देता है कि नहीं होगा तुम कुछ भी कर लो, तो आपको ये भी पता है। और वही चीज जिनको भास्करन आती है, CIL आता है या KP आती है या लाल किताब आती है, वो तो उससे भी देख लेंगे कि भैया प्रॉमिस नहीं है, तो यानी तीनों पद्धति ने मना कर दिया तो आप कैसे करवाओगे शादी? अगर कोई उसको ये बोलता है कि हाँ भाई वो पंडित कह रहा है मैं करवा दूंगा इतने पैसे दे दो, तो आप कह देना मैं लिख के दे देता हूँ तेरी शादी नहीं होगी, तू कितने भी पंडितों के पास चला जा। योग रहते, ठीक है जी जी, आई थिंक वी हैव आंसर्ड ऑल क्वेरीज एंड क्यूरियोसिटीज। किसी और का कोई प्रश्न हो तो अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट अनरोलिंग योरसेल्फ एंड लेट्स डू द क्लास ऑन द मंडे। मंडे विल बी द फर्स्ट क्लास फॉर द त्रिभागी दशा, एंड जिन जो लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा बाय मंडे बिफोर मंडे दे आर एंटाइटल्ड फॉर द क्लोज क्लास। जिगर शाह जी पूछे, अपना वीडियो ऑन करें ज्योति जी, और जिगर शाह जी अपना वीडियो ऑन करें, पूछे प्लीज, आपका ऑडियो ऑन करें। जिगर जी आपका ऑडियो ऑन करें। लाल किताब जो है ये जो उसके जो टुटके हैं, क्योंकि लाल किताब बहुत सारे हैं, तो मेरे मुझे ये जानना है कि सारी लाल किताबें एक है, क्योंकि मार्केट पे बहुत सारे लाल किताब वाले टुटके ऐसे करवाते हैं। लाल किताब एक है, एक नंबर नीति जी आंसर देता हूँ, लाल किताब एक है, लाल किताब रूपचंद जोशी जी के द्वारा बनाई गई है, वो एक है। लोगों ने क्या अंडरस्टैंड करके क्या दिया वो वेरियस है। हाँ वही तो है ना, क्योंकि अब जेन्युइन वाले पता नहीं है अब मार्केट में। आपको हम अपना बता सकते हैं, नीति जी है लर्न लाल किताब फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम पंडित रूपचंद जी जोशी जी। हाउ? बिकॉज उनके परिवार में उनके जो बुजुर्ग है उनके चाचा उनके पिता वो पंडित रूपचंद जी जोशी जी के कनेक्ट में थे, तो दैट शीज लर्न फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द घराना से, वो हमें पता है। लोग क्या डिलीवर करते हैं उसके विषय हम नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि लाल किताब वाले के मैंने इनसे ऐसे दो तीन लोगों को मिला हूँ कि जो ये ऐसे करवाते हैं, मगर सबकी अलग अलग पैटर्न्स होती है। मुझे ये कंफ्यूज था कि भाई सारे लाल किताब आपने कहा वो मैं एग्री हूँ, मगर ऐसे अलग अलग होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सही कौन और गलत कौन लाल किताब के लिए। अच्छा जिगर जी, जिगर शाह जी एक मुझे बात बताएं, आपने लाल किताब करी है? मैंने लाल किताब वाले के दो तीन लोगों को मिला हूँ और उसके टोचके भी मैंने किए हैं, मगर वो टोचके वर्केबल नहीं हुए है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे कि उसमें से एक टोटका मुझे बताओगे आपने क्या किया? जरूर जरूर जरूर, मैं एक टोचका ये था कि उन्होंने कहा था कि आपको बच्चों को दूध पिलाना है। रितु जी है हमारे साथ, अच्छा सुमित खन्ना जी हैं। सुमित जी आपने तो सारी लाल किताब पढ़ी है, एडवांस भी पढ़ी है, बेसिक भी पढ़ी है, बच्चों को दूध पिलाने वाला कौन सा टोटका था भाई? शिव कुमार जी भी हैं सर संपूर्ण के,
मैम कोई नहीं, ऐसे तो कोई नहीं, हम कोई भी नहीं था, ये कोई टोटका नहीं है सर, किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि लाल किताब के लेके लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अब जेन्यून और जेन्यून जो अभी आप वो बोल रहे हैं वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें तो हमारे वर्ल्ड के लिए तो वही लाल किताब आएगी ना। हाँ अच्छा जिगर जी, एक मैं आपको बात बताऊँ, ये जो टोटका करने के बाद आपके पैसों का लॉस और हुआ होगा, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। चंद्रमा है आपका दूध, ठीक है, बच्चों को दूध पिलाना, क्या उसमें आपने लड़कों को भी दूध पिलाया? हाँ बच्चों को पिलाना था। हाँ तो बच्चों में अगर लड़कों को भी दूध पिलाया और आपने दूध में, और दूध में शुगर डालना था ऐसा कहा था, शुगर डाल के ऐसे पिलाना ऐसा उसका उन्होंने कहा था जो मैं किया था, जस्ट मैं वो बता रहा हूँ प्लीज। और भी प्रॉब्लम में आप घुस रहे हो, टोटके मत कीजिए, इलाज कीजिए सीधा बीमारी का, पहले बीमारी जान लीजिए कि क्या है, क्योंकि ये चीज जो आपने करी ये आपके चंद्रमा को खोटा करती है, क्योंकि हम लड़कों को केतु कहते हैं और लड़कियों को बुध कहते हैं, और जब चंद्रमा का दूध आपने चीनी मिलाई तो उसमें शुक्र भी मिलाया, क्या आप मुझे बता सकते हो उसके बाद आपकी पत्नी या आपके घर की आपकी मदर, नानी, दादी या मासी किसी की तबीयत खराब हुई? ऐसा तो कुछ नहीं, पैसा के लॉस हुआ, लॉस था इसीलिए तो ये टोचका दिया था। पैसा आया वापस? नहीं नहीं ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उससे सावधान रहिए कि आई अग्री विथ यू, इसीलिए कि मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ कि सही क्या गलत क्या है। और सपोज आप मुझे कहो तो मेरे लिए तो वही, क्योंकि मेरे स्लेट मींस बोर्ड तो ब्लैंक है, आप जो कहोगे मैं उसे लिखूंगा, आप ले यही कंफ्यूजन के लिए प्लेटफॉर्म पा रहा है कि सही क्या गलत का हमें पता चल। एक ही चीज जिगर शाह जी, अगर कोई आपको कोई टोटका देता है ना उससे पूछो लॉजिक बता, क्योंकि okay. लाल किताब पूरी लॉजिक पे बेस्ड है, कॉमन सेंस पे बेस्ड है, okay. जो हम जो मेरे से लाल किताब पढ़े हैं उनको लाल किताब इतनी आसानी से समझ में आती है, जबकि मार्केट में कराने वाले लोगों को लाल किताब वो पूरी करने के बाद भी हमसे ये कहते हैं कि मुझे तो कुछ सर के ऊपर से सब चला गया, अंदर तो कुछ भी नहीं गया। पंडित जी ने बहुत आसान विद्या लिखी है ये, लेकिन हर ये पूरी विद्या लॉजिक पे कॉमन सेंस पे बेस्ड है, और वो कॉमन सेंस को समझने की कहानी है लाल किताब। ओके 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 जी। और वन मोर थिंग मैम, के नक्षत्र भी ज्योतिष है और ये भी है, तो दोनों में सेम है, कुछ डिफरेंट है क्या है? ज्योतिष में हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपना सिग्निफिकेंस है, नक्षत्रों का अपना इम्पोर्टेंस है ज्योतिष में, और उसका सिग्निफिकेंस है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे जितने भी कैलेंडर मंथ होते हैं वो नक्षत्र बेस्ड है, तो हर चीज की अपनी महत्वता है, और उसको जानने से हमारा ज्ञान एक स्तर का होता है और हम ज्यादा गहराइयों तक जा पाते हैं, ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन, ज्यादा अच्छा वर्क आउट करते हैं। तो त्रिभागी अपनी जगह काम करती है, यस, लाल किताब तो अपनी इम्पोर्टेंस है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, रहता है उसे हर मोडलिटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जितनी आपका मोडलिटी होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग स्टडी आपके बेटर होगी। और मुझे मीन्स मैं क्या, मेरे इसके लिए कोई ज्ञान नहीं हो तो भी मैं ये कर सकता हूँ कि मुझे कुछ बेसिक करना पड़ेगा? ओके बस क्लियर। ज्योति जी आपका आपका ऑडियो वीडियो कॉल है, ज्योति जी, दीपेश जी आप पूछे। यस सर। ज्योति जी पूछ रहे हैं, ज्योति जी आप पूछे। सर ये पूछना है त्रिभागी विमशोत्री दशा का ही आगे एक्सपेंड मतलब एक्सपेंड है? दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों का दोनों की अपनी जगह है, और ऐसा नहीं है कि आप विमशोत्री कर ली तो त्रिभागी क्लियर हो गया, या त्रिभागी के लिए तो विमशोत्री क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये इसी की वैदिक के अंदर से निकल के आया ना? बड़ा वैदिक मतलब सही से वैदिक जननी है। Yeah, I know. Actually, I didn't done लाल किताब ना, तो मुझे था कि अगर लाल किताब का कॉन्सेप्ट है तो फिर समझ नहीं, लाल किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, एक okay. बात तो ये, दूसरी And बात ये कि वैदिक अध्याय में जननी है, हर पद्धति हर मोडलिटी उस जननी से निकलती है। सर एक और क्वेश्चन था, भास्करन का मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, आई थिंक वो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है, वो किससे रिलेटेड है? वैदिक कर सकते हो? नहीं, भास्करन केपी बेस्ड होती है, उसमें केपी का टच आता है, तो
बट उसमें एडवांस लेवल है, वेरी एडवांस लेवल। ठीक है सर, थैंक यू। आप कर सकते हैं कि बास्केट थ्योरी अभी भी आई थिंक दो ही क्लास हुई है शायद बास्केट के भी, तो यू कैन डू। थैंक यू दीपेश जी, आप बताएं। हाँ जी सर, मैंने आपका इसका पेमेंट तो कर दिया है ये त्रिभागी का। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरा पूछा था सर, अभी ये संपूर्ण लाल किताब कब चालू हो रहा है? संपूर्ण लाल किताब का टाइम है अभी, और अभी लाल किताब अभी अभी एक खत्म हुआ है। वी आर प्लानिंग टू डू द एडवांस लेवल इन द नाइट आवर्स ओनली, सो जो लोग इच्छुक होंगे उनके लिए नाइट आवर्स में ही हम जो है एडवांस लेवल प्लान करेंगे। तो बेसिक टू एडवांस तो अभी खत्म हुआ, वी विल नॉट डू, बट एडवांस प्लस लेवल वी विल डू एंड वी विल प्लान इट वेरी शॉर्टली एंड वी विल लेट यू नो समवेयर इन ऑगस्ट। सर कैन आई एक्सपेक्ट संपूर्ण लाल किताब? संपूर्ण लाल किताब सर अगस्त में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि संपूर्ण लाल किताब एक बड़ी जर्नी है जिसके अंदर कंप्लीट विच मीन्स जो हम दो कोर्स करते हैं, छह सात रतन आठ महीने का कोर्स हम निचोड़ जो है तीन महीने में कवर करते हैं संपूर्ण लाल किताब, आठ महीने का निचोड़, उसमें थोड़ा टाइम लगता है सर उसके लिए। अभी वो एटमोस्फियर मतलब उसके लिए वो काम करना पड़ेगा, वो अभी इमीडिएट नहीं है, लेकिन इमीडिएट तो एडवांस लाल किताब के लिए प्लानिंग है। बट जैसे आपने इच्छा जाहिर करी है, वी सी दैट, इंटरनल डिस्कशन करेंगे, अगर बन पाएगा तो जरूर संपूर्ण लाल किताब स्टार्ट। So please try, because I missed out the first time Sampoorna Lal Kitab, so I would love to do the course this time around. We will certainly discuss internally. अगर बन पाएगा तो उसको करेंगे, नहीं कि otherwise I would say कि जो लोगों ने advance, जो लोगों ने B2A किया है अभी Lal Kitab का, उनके लिए good news ये कि they can start looking for advance Lal Kitab, वो night hours में ही करेंगे weekdays में, which we will announce very soon. Okay, thank you, thank you sir. Thank you, thank you sir. जी, किसी का और कोई प्रश्न, किसी का और कोई जानकारी लेना चाहे तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबको आज के लिए जी जिगर जी ने हैंड इसके द्वारा से क्विक ये लास्ट, अगर किसी और के पास कोई प्रश्न नहीं है तो ये लास्ट प्रश्न होगा आज सर। केपी या त्रिभाग में प्रिडिक्शन सही किसका रहेगा, टाइमिंग क्या? दोनों का अपना अच्छा होता है सर, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पद्धति को स्ट्रॉन्गली पकड़ पाते हैं और लगा पाते हैं। त्रिभागी क्विक है, केपी थोड़ा सा हमें निकालना पड़ता है, घुसना पड़ता है, त्रिभागी बड़ी क्विक है। सर लाल किताब से भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट आ जाता है या सिर्फ उपायों के लिए? लाल किताब से भी आ जाता है हर, मैंने बोला हर हर मोडालिटी का अपना स्थान है, उसका स्थान नहीं मिटा सकता। त्रिभागी को आप ये नहीं कह सकते त्रिभागी विल रिप्लेस भास्कर थ्योरी और केपी और वैदिक और दी लाल किताब, नो नो पद्धति कैन रिप्लेस टू दी अदर। भृगुनदी नाड़ी अपनी एक जगह है which we will starting very soon, Vigunadi Nadi, right? So, uski apni bahut badi jagah hai. So, no paditi can replace to the other. Rather, it's only complementing to each other. Okay, sir. Jigar ji, aapka question mile. Haan, sir. So, ye course mein lal kitab to aayega, na? Nahi aayega. Iske lal kitab mein koi matlab nahi hai. Lal kitab wala course hai. Achha, to is course mein sirf to kya cover hum karenge? Sirf Tribhagi. Tribhagi se hi ganna. ओके 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 स्पेसिफिक करेंगे क्योंकि उसका एक ही लेवल पे काम खत्म करना है, इज नॉट कि लेवल 1 किया लेवल 2 किया, वो एक ही लेवल पे ही कोर्स है, एक ही लेवल में खत्म करेंगे। फिर इसके बाद आप लाल किताब का आप इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो आप लाल किताब का वी आर अंडर प्लानिंग, वी विल लेट यू नो वेरी सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आई थिंक ऑल आवर क्वेश्चंस आर ऑल क्वेरीज आर बीन एड्रेस्ड एंड सुमित जी आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जी, आपको बोलने का मौका दिया जाता सुमित जी। सर मैं तो हमेशा आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, नीति मैम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, एंड आई एम ऑलवेज वेरी ऑब्लाइज्ड सर, आई हैव बीन एबल टू मीट बोथ ऑफ यू एंड एवरीबॉडी इन दिस एकेडमी एंड वंडरफुल फेलो स्टूडेंट्स, आई फील ब्लेस्ड। आई एम सॉरी आई डिड नॉट ऑन माय कैमरा अर्लियर इन द डे, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच। And I obviously will be joining the course, ma'am. Thank you. Thank you, Sumit. Thank you, sir. Thank you. All right. So, Niti ji, last, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Then we will close it. नहीं सर, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि it's a beautiful astrology की पद्धति है ये, जिसमें काफी सारी चीजें आप अलग ढंग से, अलग नजरिए से देखते हो, और बड़ी जल्दी ही आंसर आपके सामने होता है। और सबसे बेस्ट तो यह है कि इट्स एन एक्यूरेसी इसमें बहुत अच्छी आती है।
कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई महंगे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत नहीं है, आप चलते हुए भी अपने फोन पे भी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप देख सकते हो. तो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है और आसान है. थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का आज के अपने समय के लिए, कीमती समय दिया आप सबने. नीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. लेट्स मीट ऑन द मंडे इवनिंग. आप सबका इंतजार रहेगा वहां पे. आप सबको नमस्कार. थैंक यू. गुड इवनिंग. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. नमस्कार. थैंक यू सो मच.